You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me. Good morning, तो कैसे हो आप सब? सरस्वती पूजा के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ. दो दिन तक बिल्कुल मतलब ऐसे ही बैठी थी, थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी, क्योंकि सरस्वती पूजा के लिए दो दिन पहले से रात तक हमें काम करना. और सरस्वती पूजा के दिन तो बहुत लेट हो गया था, 3 बजे हम सोए थे घर आके. तो इस तरह से नेक्स्ट डे इतना बॉडी एक हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, और इतने सारे लोग जब एक साथ होते हैं तो सफोकेशन भी होता है ना. तो सारे चीजें मिला के सब अपने अपने घर पे ऐसे बेड रेस्ट पे थे लगभग. पर जिनके घर में हुआ उनको तो रेस्ट लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके घर में 2-3 दिन तक माँ रहने वाले हैं. तो कल होगा हमारा विसर्जन, और 3-4 दिन हम इसलिए रख रहे हैं माँ को क्योंकि विसर्जन देने के लिए तो लड़कों की जरूरत पड़ती है ना. तो सबका ऑफिस है तो कौन कैसे जाएगा, तो इसलिए छुट्टी के दिन एक अच्छा सा मुहूर्त देख के हम विसर्जन करेंगे. और पंडित जी के साथ हमारा बात भी हो चुका है, तो कल होगा माँ का विसर्जन. तो चलिए सुबह सुबह चाय बना लेते हैं. और आप सबका बसंत पंचमी कैसा गया मुझे जरूर बताना, क्या क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज पे 40% बंगाली व्यूअर्स है. और उन लोगों का सरस्वती पूजा, आप सबका सरस्वती पूजा कैसा गया मुझे जरूर बताना. आज क्या बनाऊंगी कुछ तो तय नहीं किया, पर कुछ उड़द दाल था तो कल रात को इसे भिगो के रखी थी. और उड़द दाल के साथ आज मैं दही वड़ा बनाऊंगी. फ्रिज में वेज नॉन वेज कुछ नहीं है. लास्ट 2-3 दिन से नॉन वेज तो कुछ खाना नहीं हुआ, तो इसलिए फ्रिज में है भी नहीं, इवन वेज भी नहीं है, बिकॉज 2-3 दिन से वहां पे खाना पीना हो रहा है. कभी लंच तो कभी डिनर, इवनिंग स्नैक्स, पूरा मील ही वहां पे हो रहा था. तो इसलिए फ्रिज भी खाली है. आज कुछ मंगवाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि आज क्या बनाए. और आज कुछ अच्छा सा कुछ नॉनवेज बनाने का मन है. इसे थोड़ा हटाओ ना पूरा. हाँ पूरा इसे हटा दो. क्या हुआ? अरे वो तो है ही, पर पता नहीं क्यों ये पुदीना का ये पूरा क्यों सूख रहा है पता नहीं. एवरीडे पानी धूप सब कुछ तो मिल रहा है इससे. पुदीना अगर एक बार हो जाता है ना, ग्रो हो जाता है ना, तो उसके बाद इसका पूरा झाड़ी बन जाता है. पर यहाँ पे वो तो दूर की बात है, पर यहाँ पे ये सारे सूख रहा है. पुदीना कभी ठीक ठाक से नहीं रहता हमारे घर पे. एवरीडे पानी देना, दिन अंदर कभी लाते कभी बाहर, पूरा धूप इसे मिलता है. आज सुबह से बहुत अच्छी हवा चल रही है, मेरी बाल उड़ रही है आप देख सकते हो. और इस हवा का मतलब है कि अभी समर आने वाला है. पर वो अलग बात है कि मैं स्वेटर पहन के ये सारी बातें बोल रही हूँ, क्योंकि बैंगलोर का वेदर कभी भी यू टर्न मार सकता है, मारता भी है. पूरे साल भर इतना गारंटी नहीं रहता कि अभी विंटर है या अभी समर है या अभी मॉनसून है. कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी गर्मी लग जाती है, एसी चलाने की ज़रूरत पड़ती है. आजकल लास्ट 3 साल से एसी की भी ज़रूरत पड़ रही है बैंगलोर में, पहले ऐसा नहीं होता था. और ऐसे थोड़ा सा मोटा कपड़े, मतलब स्वेटर ना भी हो तब भी थोड़ा सा एक श्रग वगैरह तो पूरे साल भर ज़रूरत पड़ती है हमें. तो वेदर है बहुत अच्छा, एकदम मतलब अमेजिंग वेदर है. और अभी भी हवा को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कितना हवा चल रही है. पेड़ की पत्तियाँ तो अभी यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट की तैयारी. और आज ब्रेकफास्ट में होगा लूची और उसके साथ आलू की सब्जी. तो आलू की सब्जी के लिए मुझे चाहिए रेड चिली, ड्राई रेड चिली, 5 फोड़ोन यानी कि 5 टाइप्स जो होल स्पाइस होता है उसका एक मिक्स, और ब्लैक पेपर. ट्रस्ट ब्लैक पेपर होता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर मेरे पास वो नहीं है तो इसलिए पाउडर ब्लैक पेपर यूज कर रही हूँ. और बॉइल्ड पोटैटो. और चाहे कोई भी रेसिपी हो, बंगाली रेसिपी अगर बनानी है तो मस्टर्ड ऑयल, इसे यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना. और इस सब्जी में हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती. आज लंच के लिए सोचा
रहे एकदम से सिंपल मूंग दाल, लौकी के साथ मूंग दाल बनाऊं? मिथुन, लौकी के साथ मूंग दाल, हाँ अच्छा लगेगा। मतलब मूंग दाल के साथ लौकी, मूंग दाल, राइस, अचार, बस सिंपल सा कुछ रखेंगे। एक्चुअली दो चार दिन से वेज ठीक है, पर उसके साथ जो भोग या सब मिलके जो खाना पीना होता ना, तो थोड़ा सा तो रिच होता है एकदम। पूरी हमेशा गर्मा गर्म खाना चाहिए। पूजा के दिन, सरस्वती पूजा के दिन मैं पूरी नहीं खा पाई, बिकॉज लोगों को सर्व करना होता है ना, खुद के पूजा में खुद खा नहीं सकते, तब ध्यान रहता है कि सबको मिला है कि नहीं। और भी कई सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, तो उनको प्रसाद सर्व करना, दिन ठीक ठाक से सारे चीज़ें मिला है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा आइटम था। तो उस दिन हमारे ग्रुप के ज़्यादातर लोगों को पूरी नहीं मिला था, तो तब से मेरा मन कर रहा था कि मैं पूरी खाऊं, तो आज पूरी और आलू की सब्जी बना लिया। दही बड़ा के लिए यहाँ पे बन रहा है स्वीट टैमरिंड चटनी, और जब तक नहीं ये ठीक हो जाए तब तक मुझे इसे ऐसे ही कुक करते रहना है। और दूसरी तरफ मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन चटनी, तो ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए ढेर सारा कोरिएंडर लीव्स, कुछ मिंट लीव्स, दो गार्लिक बल्ब्स, ग्रीन चिली, छोटा सा पोर्शन जिंजर का, हाफ लेमन जूस, थोड़ा सा प्लेन सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। अब ये है पीसने के लिए रेडी। दही बड़ा के लिए जो दही है इसे मैं प्रिपेयर करूंगी, थोड़ा सा पानी के साथ दही को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, एंड देन इसमें ऐड करना है थोड़ा सा शुगर, और अभी इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? तो आज मिथुन ने हाफ डे लिया है, तो आज हम जा रहे हैं कहीं और, क्योंकि वहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट था, और बहुत दिन हो गए बाहर भी कहीं नहीं गए, तो वहाँ पे भी जाएंगे, थोड़ा सा घूम के भी आएंगे, अच्छा फील होगा। तो सब बाहर जाके आए और एक काम भी था, उस काम को भी कम्प्लीट करके आए। वहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ, तो अभी हम पहुंच गए हैं पराठा कंपनी पर। यहाँ पे आके हम पराठा नहीं खा पाएंगे, पर आउटडोर में बैठ के थोड़ा चाय या तो लस्सी पीना, इसका भी मजा कुछ अलग होता है, और वो भी रोड साइड में, एकदम से हाईवे है उसके बिल्कुल बगल में, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे बैठ के, गपशप करेंगे, और थोड़ा कुछ डिस्कशन भी है, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। ये आ पहुंचे हम पराठा कंपनी, अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पे आज। तो आ गया हमारा लस्सी, आज चाय नहीं पियेंगे, चाय अगर पियेंगे तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो लस्सी बहुत टेस्टी लग रहा है, और हवा है क्योंकि रोड साइड में है, पर धूप भी है, लस्सी बहुत अच्छा जा रही है। हम बहुत दूर से एक्चुअली आए हैं घूम के, तो गला भी सूख रहा है, और कार के अंदर जो पानी था वो इतना हॉट था, लग रहा है कि मेरा गले में दर्द है, इसलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ। बहुत अच्छा है। लेके नहीं गई तो इसलिए घर आते ही एक बहुत अच्छा काम मुझे पकड़ दिया। इस प्लांटर में जितने भी मिट्टियाँ थे ना, वो सारे मिट्टी, मतलब ऊपर का पूरा मिट्टी यहाँ पे गिरा दिया, और यहाँ पे उसका पॉकर निशान भी है, तो इससे पता चलता है ये किसने किया है, बड़ा वाला या छोटा वाला ने? छोटे वाले ने, वो तो पता है। और जब ये बदमाशी करता है ना, तो उसे पता होता है कि मैंने बदमाशी किया है, तो जब मिथुन ऐसे किया, दोनों की तरह भी ये सोच, ये जानने के लिए कि दोनों में से किसने किया, सबसे पहले भाग गए मालूम, उसे इतना नहीं पता। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करता है कि बदमाश कौन है। थैंक गॉड कि ये मिट्टी गीला नहीं था, अगर गीला होता ना तो मेरा तो बस हो जाता। इसमें डाल दो मिठू, डाल दो इसमें,
सारे को वो भी डर आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो लिए और उसके बाद चेंज वेंज करके अभी हम जा रहे हैं माँ सरस्वती के वहाँ। एक्चुअली कल विसर्जन है तो इसलिए आज सब गैदरिंग होके माँ को दोधी कौरमा देना है, तो मैं यहाँ से बनाना और पेड़ा लेके जा रही हूँ। तो कर्ड वगैरह जो मिष्टी दही बोलते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे मेरे और जो सारे फ्रेंड्स हैं सब मिलके अरेंजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से उनको इन्वाइट करना है कि नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पे जरूर आना। अभी हमारा होगा आरती और इसके लिए हो रहा है ये दोधी कौरमा बोलते हैं, इस प्लेट को दोधी कौरमा बोलते हैं जो कि माँ के सामने हम देंगे और आरती करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल चालमा का जैसे कि आपने पूजा में देखा था ना बिल्कुल ऐसे इसे बनाया जाएगा और सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा करके एज अ प्रसाद दिया जाएगा। घर पे एक ही मेन्यू दो टाइम कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए हमेशा मुझे अलग अलग नए नए तरीके की कोई ना कोई रेसिपी बना के उन लोगों को सेटिस्फाई करना होता है। तो आज मैं वहां से आने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं। और राइस है सुबह का, मूंग दाल है वो भी लौकी के साथ, मूंग दाल बहुत टेस्टी होता है वो भी है, पर दो बार वो खाना नहीं खाना। तो ये है दोपहर का राइस, तो इतना राइस है उसके बावजूद भी और भी कुछ बनाओ तो ये तो वैसे बासी हो जाएगा, मतलब लेफ्ट ओवर हो जाएगा। दाल होता है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि दाल को अगर गर्म पानी के साथ आप अच्छे से कुक करो ना तो बहुत अच्छा बन जाता है, पर राइस ना लेफ्ट ओवर इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जिंजर, ग्रीन चिली, रेड चिली, अनियन, तो ये तो मसाले है ये छोड़ो। यहाँ पे कुछ मशरूम दो दिन से यूज कर रही हूँ, उसके बावजूद भी थोड़ा मशरूम रह गया था, ये और दो दिन रहेगा तो ये खराब हो जाएगा। एंड कोरिएंडर लीव्स, चार एग था भी दो एग यूज कर लेते हैं, और भी कुछ एग मंगवाई है। एग भी इवन एग भी अगर ज्यादा दिन तक रहे ना तो खराब हो जाता है, मतलब रखना नहीं चाहिए, जितना भी फ्रिज में रहे या जो भी रहे रखना नहीं चाहिए कोई भी नॉनवेज ज्यादा दिन तक। तो सबसे पहले मैं दो एग का भुर्जी बना लूंगी। और अभी मैं सेम कढ़ाई में डालने वाली हूँ कुछ रेड चिली एंड गरम मसाला पाउडर। अगर आप चाहे तो होल गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी होल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो जब मुंह में आता है ना तो आर्यन बहुत गुस्सा हो जाता है। देन मुझे इसमें ऐड करना है चॉप्ड अनियंस, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, इसमें जिंजर नहीं डालना है। अभी इसमें जरा सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर ऐड कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, पर पोटैटो मुझे क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें वैसे भी जा रहा है, तो अगर इंग्रेडिएंट्स की कमी हो जाए तब आप पोटैटो डाल सकते हैं, पर यहाँ पे पोटैटो डालने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और अभी इसमें जाएगा कॉलीफ्लावर छोटे छोटे पीसेस के, इसे भी थोड़े टाइम के लिए हमें फ्राई करना है। अभी इसमें जाएगा मशरूम, एक्चुअली वन पॉट कुकिंग ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ईजी भी लगता है, तो इसलिए वन पॉट कुकिंग ही जब इतना टेस्टी होता है तो बार बार इसे ये डालो वो डालो इसे निकालो देन उसे डालो ऐसा क्यों करे। और जब मैं थोड़ा सा जल्दी भी होती हूँ तो मैं वन पॉट कुकिंग कर लेती हूँ, बहुत अच्छा भी होता है हेल्दी भी होता है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी श्रिम्प, श्रिम्प इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि ये सारे जो सब्जियाँ हैं ना ये मुझे फ्राई करने की ज़रूरत थी। जब भी मैं बाद में श्रिम्प को ऐड करूँगी ना झट जल्दी पूरा कढ़ाई एकदम पानी पानी हो जाएगा क्योंकि श्रिम्प में से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होता है, तो इसलिए उसे मैं बाद में ऐड कर रही हूँ।
और इसे ऐड करने से पहले थोड़ा और ऑयल ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज इसे भी तो कुक होना है ना, और स्टीम करके कुक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ज्यादा ऑयल की भी इसे जरूरत नहीं पड़ती। मेरा तो बहुत मन था कि मैं इसमें थोड़ा टमाटर भी ऐड करूं तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता, पर मिथुन पहले से ही बोल दिया कि प्लीज टमाटर ऐड मत करना, तो नहीं कर सकती। और अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जबकि कुक्ड राइस है तो यहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कोई भी सब्जी में पानी जितना कम ऐड किया जाए ना उतना ही टेस्टी बनता है। बाद में जितना भी आप पानी रिड्यूस करो, पर पहले अगर कम पानी ऐड किया जाता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे भी थोड़ा सा कुक होने देते हैं। तो अभी अच्छे से कुक भी हो चुका है और थोड़ा थोड़ा ग्रेवी इसमें है, तो इसे मैं अभी लो फ्लेम में रखूंगी। और यहाँ पे हमारा एग और कल का जो सॉरी दोपहर का जो राइस है तो उसे मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और इसे ना आप लेफ्ट ओवर राइस के साथ भी बना सकते हैं, आई होप कि वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं एंड स्टीम में इसे कुक होने देते हैं, ठीक है। अभी लो फ्लेम में इसे हम कुक कर लेते हैं। वाओ, लीड को ओपन करते ही अगर ऐसा खुशबू ना आए तो कुकिंग करने का क्या फायदा। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और चीजें, जैसे कि हम घी ऐड करेंगे, दिन चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। घी कोई भी रेसिपी में अगर आप ऐड करो ना तो उसका एक अलग ही लेवल हो जाता है। तो घी को मिक्स कर देते हैं, दिन चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, आजकल मैं एवरीडे तो वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, और ये जो वीडियो है ये भी दो दिन बाद शायद आएगा। दो दिन पहले मैंने एक सरस्वती पूजा का वीडियो दिया था, उसके बाद ये वीडियो आएगा, क्योंकि एवरीडे मैं वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ और बना भी लेती तो एडिट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं दूसरे काम में थोड़ा बिजी रहती हूँ। और इसका रीज़न भी आपको बाद में पता चलेगा, जब टाइम आएगा, सही टाइम आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यूट्यूब तो कर लिया ज़िंदगी में, अभी 8 साल हो गए मैं YouTube कर रही हूँ, अभी कुछ नया चीज़ में जाना चाहिए, तो बहुत सीरियसली इस चीज़ को मैं ले रही हूँ। और आगे जाके ऑब्वियसली आप देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, पर एवरीडे भी नहीं हो रहा है एंड मैं आपको बता भी नहीं सकती कि चीज़ क्या है, बात क्या है। आपका कमेंट मैं पढ़ के आई हूँ, जस्ट अभी भी मैं पढ़ रही थी, लास्ट वीडियो में आपने कमेंट किया है, अपनी इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने कमेंट करे हो कि आपके ब्लॉग के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, जब आप नहीं देते हो ना तो पुराने वाला ब्लॉग देखती हूँ। थैंक यू सो मच कि इतना पसंद है आपको, पर मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हर मंडे पे जियो सिनेमा पे जब मिला तू ये एक सीरीज आ रहा है, हर मंडे आ रहा है। स्वीट सा एक प्रेम कहानी है, बस इतना अच्छा हो रहा है कि एवरी फ्राइडे जैसे कि हम कोई ना कोई नया सीरीज आए तो मूवी आए, इसके लिए वेट करते हैं और हम लोग वेट करते हैं कब मंडे आएगा और वो वाला सीरीज आएगा। पूरा गोवा का एकदम शूटिंग है इसलिए शायद और भी ज्यादा है ना। लेफ्ट ओवर राइस को भी ना हम इसी तरह से बिल्कुल बना सकते हैं, ताव पुलाव जैसा। जब राइस घर पे रहता है हमारा पहले का तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा ग्रेवी में अगर राइस को जिस तरह से आज मैंने बनाई उस तरह से अगर बना दो ना, ढक के पकाना है तो वो हार्ड राइस भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और उसके साथ ट्रस्ट मी थोड़ा सा भी ग्रेवी या कोई साइड डिश की जरूरत नहीं पड़ती। वो खासे का चलती है ना, ले शट अप एंड टी शर्ट डाउन।